दोस्तों आज हम लोग योनो SBI के अंदर एक नए चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें योनो SBI के अंदर लॉगिन हो जाना है। योनो SBI के अंदर कुछ दिन पहले ही नया अपडेट आया है। यदि आपने अभी तक योनो SBI को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले आप योनो SBI को अपडेट कर लीजिए। जब आप योनो SBI को अपडेट कर लेंगे तो उसका डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी हमें लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर MPIN डालकर लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने योनो SBI में लॉगिन हो चुका हूँ। अब हम इस पेज को थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन हमें यहाँ पर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना है, इसलिए यहाँ देखिए एक ऑप्शन है चेक्स, हम इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं लेकिन हमें यहाँ पर एक नया चेकबुक चाहिए, इसके लिए रिक्वेस्ट चेकबुक इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट में क्लिक करके अपने अकाउंट नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। आपके जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इनमें से जिस भी अकाउंट का आप चेकबुक चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ लीव्स एक्वायर, नीचे लिखा है प्लीज सेलेक्ट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि आपको चेकबुक कितने पन्नों का चाहिए। मुझे ज़्यादा पन्नों का चेकबुक ज़रूरी नहीं है इसलिए मैं केवल 10 पन्नों को मंगा लेता हूँ। आपको जितना भी ज़रूरत हो, 25, 50, 100, जितना भी ज़रूरत हो आप मंगा सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल 10 पन्नों का मंगा रहा हूँ। उसके बाद नीचे में एक चौकोर बॉक्स है, इसमें क्लिक करेंगे। चेकबुक का चार्ज देखने के लिए यहाँ लिखा है चार्जेज अप्लीकेबल, इस पर क्लिक करके चेकबुक का चार्ज यहाँ से हम देख सकते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट में दिया है फॉर सेविंग बैंक अकाउंट फर्स्ट 10 चेक लिव्स फ्री इन फाइनेंशियल ईयर, यानी यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो 10 चेकबुक एक साल में बिल्कुल फ्री मिलेगा। यदि आप 10 चेकबुक से 25 चेकबुक के बीच में लेते हैं तो ₹40 प्लस GST चार्ज आपको देना पड़ेगा, और यदि आप 25 चेकबुक से ऊपर लेते हैं तो ₹75 प्लस GST चार्ज आपको देना पड़ेगा। यहाँ नीचे में भी कुछ चार्जेस दिए गए हैं, यहाँ करेंट अकाउंट का है तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट डिलीवरी एड्रेस, तो इसमें क्लिक करके हम अपने एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में जो एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पे आपका चेकबुक पहुँचे तो रजिस्टर यूजर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर यूजर पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप चाहें तो उसी एड्रेस पे मंगा सकते हैं। यदि आप चाहें तो पिछली बार जहाँ भी आपने चेकबुक मंगाया था आप उस पर भी चेकबुक मंगा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो कोई नया एड्रेस दे के आप नए एड्रेस पे भी चेकबुक मंगा सकते हैं। मान लीजिए आपका घर कहीं और है और आप नए एड्रेस पे चेकबुक मंगाना चाहते हैं तो न्यू एड्रेस पे क्लिक कर देना है। मुझे फिलहाल नए एड्रेस पे चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर न्यू एड्रेस कर देता हूँ, और ये चौकोर बॉक्स है इसमें हम टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पूरा एड्रेस डाल देंगे। तो चलिए पूरा एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने नया एड्रेस डाल दिया है, नीचे में लिखा है नेक्स्ट, तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल एक बार दिखाया जाएगा, सेविंग अकाउंट, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, नंबर ऑफ चेक लीव्स, और यहाँ पर एड्रेस शो होगा, इसी एड्रेस पे आपका चेकबुक आएगा। ये सब कंफर्म करने के बाद नीचे में लिखा है कंफर्म, तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो हमारा रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें लिखा है थैंक यू योर चेकबुक रिक्वेस्ट विथ रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यानी हमने जो चेकबुक का रिक्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया है। अब जो हमने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर लगभग एक सप्ताह या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर हमारे नए एड्रेस पे हमारा चेकबुक आ जाएगा। हो सकता है कि आपके मोबाइल में भी इस तरीके का एरर आए। यहाँ पर लिखा है चेकबुक नॉट अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट, यानी इस अकाउंट में हमें चेकबुक नहीं मिल सकता है, हमें अपने अकाउंट टाइप को चेंज करना पड़ेगा।
जिसका वीडियो हमने पहले ही बनाकर अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप अपने अकाउंट में चेकबुक मंगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग भी योनो SBI से एक नए चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।